नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, क्या आप लोग भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खुलकर हंसना चाहते हैं, उनसे खुलकर बात करना चाहते हैं, या आपको खुलकर हंसने में या बात करने में अपने दांतों की वजह से शर्म आती है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनको देखकर आप अपने दांतों को सुंदर और चमकीला बना सकते हैं, दूसरों व्यक्तियों के सामने खुलकर हंस सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें ऐसी स्माइल दिखा सकते हैं जिसकी वजह से आपके सामने दूसरी लड़की या लड़का फ्लैट हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। कच्ची सब्जियों का सेवन करना। अगर आप अपने दांतों के कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इन हरी सब्जियों में ऐसे पोषक तत्व और खनिज पदार्थ होते हैं जो दांतों को साफ करने, चमक बढ़ाने और दाग धब्बों को दूर करने में सहायक होते हैं। बेकिंग सोडा। दांतों के दाग धब्बे और कालेपन को दूर करने के लिए आप ब्रश करने से पहले अपने टूथपेस्ट में एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं। बेकिंग सोडे में ऐसे गुण होते हैं जो आसानी से आपके दांतों के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं और आपके दांतों की चमक को बढ़ा सकते हैं। दांतों का कालापन दूर करने के लिए नमक। नमक का इस्तेमाल आपके दांतों को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। आप एक चुटकी नमक लें और इसे हल्के हल्के अपने दांतों पर रख लें। ऐसा करने से आपके दांतों में जमी हुई काली पट्टी का या काले निशान आसानी से दूर हो जाएंगे। संतरे के छिलके का उपयोग। संतरे के छिलके के अंदरूनी भाग से दांतों की अच्छी तरह से मसाज करें, यानी कि उसे रगड़ें। उसको रगड़ने से दांत के दाग धब्बे, कालापन दूर हो जाएगा, आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और आपके दांत भी सुंदर और चमकीले दिखेंगे। दांतों के कालापन को दूर करने के लिए स्ट्रॉबेरी। इसके लिए आप स्ट्रॉबेरी के गूदे को बेकिंग सोडा और नमक के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने दांतों पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से लगाएं और उसे रगड़ें। ऐसा करने से आपके दांतों के कालापन दूर होगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी आपके दांतों पर जमी हुई काली परत या पीली परत को हटाने में बहुत मदद करती है। तुलसी के पत्तों का उपयोग। तुलसी के पत्तों को लेकर उसका पेस्ट बना लें और अपने टूथपेस्ट की जगह इस पेस्ट को अपने दांतों पर पेस्ट करें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपके दांत सुंदर दिखने लगेंगे, कालापन दूर हो जाएगा और आप किसी के भी सामने इसी तरह से खुलकर हंस सकते हैं। केले का छिलका। केले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर दिन में 2 से 3 बार अपने दांतों की सफाई करें। ऐसा करने से आपके दांत सुंदर और चमकीले होंगे, क्योंकि केले के छिलके में कई विटामिन्स और खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके दांतों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं और दांतों की चमक को भी आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। दांतों का कालापन दूर करने के लिए गाजर। गाजर के टुकड़े को नींबू के रस में भिगोकर इससे अपने दांतों की सफाई करें। दांतों की सफाई करके आप अपने कालेपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने दांतों को सुंदर चमकीला बना सकते हैं। इसका सेवन करने से, इसका इस्तेमाल करने से आपके दांत के अलावा आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं। दांतों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए अदरक। अदरक का पेस्ट बना लें और कुछ दिनों तक अदरक के पेस्ट को ही अपने दांतों पर अच्छी तरह से पेस्ट करें और उसके बाद ठंडे पानी से कुल्ला कर लें। यदि आपके दांत बहुत ही ज़्यादा काले हैं तो आप इस उपाय को सप्ताह में नियमित रूप से दिन में 3 बार कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके दांत सुंदर और चमकीले हो जाएंगे, दांतों का कालापन दूर हो जाएगा। नीम का तेल। अपने दांतों के कालेपन को दूर करने के लिए आप लोग नीम के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने पेस्ट में नीम के तेल की 1 या 2 बूंद डालकर अपने पेस्ट को अपने दांतों पर अच्छी तरह से पेस्ट करें और ठंडे पानी से कुल्ला कर लें। दिन में 2 बार यह प्रक्रिया दोहराएं। ऐसा करने से आपके दांत तो मजबूत होंगे ही, साथ में यह चमकदार होंगे। इसके अलावा मुँह से संबंधित समस्याएँ भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नीम के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण भी पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त
और रिश्तेदार भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई और जानकारी लेकर आ सकें और आप हमेशा स्वस्थ रह सकें।